रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। वहीं मीडिया खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सेना परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पश्चिमी देशों अमेरिकी आदि द्वारा प्रदान की गई मिसाइलों और गोला बारूद का भंडारण कर रही है। हथियारों में अमेरिकी निर्मित हिमरस लॉन्चर के लिए रॉकेट और विदेशी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलें और बड़े कैलिबरी एटी सेल शामिल है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का आज 10वां दिन है। इस 10 दिनों में दोनों तरफ से कई बड़े खुलासे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इसी बीच पहलवानों की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सार्वजनिक किया गया है। यह वीडियो कथित तौर पर ब्रजभूषण के होने का दावा किया गया है। इसमें फोन करने वाले पहलवान से सांसद बोल रहे हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। इन 2 दिनों में पीएम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 7 रैलियां करेंगे। 2 मई को वे चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिद्धार्थपुर और कुलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 मई को उनकी मुदाविद्री, करवा और किट्टूर में रैलियां हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की 2री सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। इससे पहले मंगलवार सुबह को ही आप सांसद संजय सिंह का भी नाम इसमें सामने आया था। चार्जशीट में उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र था। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करने का वादा किया है। पार्टी ने PFI का जिक्र करते हुए कहा, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपये देने की घोषणा की है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 6000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 5874 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 9562 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 25 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 68,72,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात 12 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टॉप और दिल्ली 6 हार के बाद आखिरी स्थान पर है। उत्तर भारत में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ बेमौसम बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में भी ऐसे ही मौसम जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके चलते लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश और लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।